बेटियों के 237 करोड़ रुपए की फीस भरवाने का इंतजाम सरकार की तरफ से किया गया है। आप पढ़ाई की चिंता करें, फीस की चिंता से मामा निपट लेगा। आगे बढ़ते रहो, पीछे मुड़के देखने की आवश्यकता नहीं है, और कहीं कोई कमी लगेगी तो फिर नई योजना बना देंगे, उसकी भी चिंता मत करना। एक लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार निकाय चुनाव की जंग छिड़ ही गई। बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार पूरी ताकत से नगर सरकार पर कब्जा जमाने में जुट गए हैं। दावे और वादों का दौर शुरू हो चुका है, तो आरोपों की बौछार भी होने लगी है। कहीं प्रत्याशी लगभग फाइनल है, तो कहीं चेहरा चुनने के लिए चिंतन मंथन चालू है। हर समीकरण को साधने की माथापच्ची और जद्दोजहद जारी है। ऐसे में सवाल यही है कि महापौर का दावेदार तय करने का आखिर क्राइटेरिया क्या होगा। नमस्कार, सवाल दर सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अग्निहोत्री। तो आज बात इंदौर की, जहां कांग्रेस की ओर से एक नाम लगभग फाइनल है। तो सीधा सवाल यही है, यहां संजय के मुकाबले में कौन सामने होगा? आज उठाएंगे सवाल, क्या बीजेपी फिर किसी विधायक को चेहरा बनाएगी, या फिर परिवारवाद और वंशवाद की खिलाफत के दौर में क्या बीजेपी नए चेहरे को आजमाएगी? क्या दिग्गजों से घिरे इंदौर में एक चेहरे का चयन आसान होगा, या फिर यह सब कुछ टेंशन बढ़ाएगा? क्या इंदौर की राजनीति में एक बार फिर संघ का वीटो पावर देखने को मिलेगा? क्या सामान्य सीट पर भी किसी दूसरे वर्ग के प्रत्याशी को टिकट देकर बीजेपी जातिगत समीकरण साधने की कोशिश करेगी? तो आज बहस इसी मुद्दे पर। इस बार कांग्रेस ने बीजेपी पैटर्न पर विधायक संजय शुक्ला को ही महापौर उम्मीदवार बनाने का दांव चला है। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद और परिवारवाद को खत्म करने का संकल्प लेने वाली बीजेपी किस फार्मूले के आधार पर अपना चेहरा तलाशेगी? क्या सरकार, संगठन और संघ की पसंद एक जैसी होगी, और क्या सारे छत्रप किसी एक नाम पर सहमत होंगे? आखिर वो कौन सा क्राइटेरिया होगा जिसमें हर एंगल से फिट होने वाला टिकट पाएगा? पहले एक रिपोर्ट देखिए। इंदौर शहर जो अपने खान पान को लेकर पूरे देश में फेमस है, लेकिन उससे भी ज्यादा अब ये स्वच्छता और हर बात में अव्वल आने को लेकर सुर्खियों में रहता है। सियासी नजरिए से देखें तो इंदौर लंबे अरसे से भाजपा की मिनी अयोध्या बन चुका है, जहां इक्का दुक्का मौके छोड़ दिए जाए तो पिछले 3 दशक से ज्यादातर हिस्से पर बीजेपी का ही कब्जा रहा। अब 3 साल बाद इंदौर एक बार फिर चुनावी रंग में रंगने जा रहा है। जी हाँ, निकाय की जंग छिड़ चुकी है। देश में अपने मैनेजमेंट के लिए नाम कमा चुके इंदौर नगर निगम पर कब्जे के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने बड़ा दांव चलते हुए पार्टी विधायक संजय शुक्ला को ही महापौर उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। वहीं बीजेपी में चेहरे की खोजबीन शुरू हो गई है। आला नेताओं में चिंतन मंथन का दौर शुरू हो चुका है। अब इसे इंदौर की खुशकिस्मती कहें या मुसीबत कि ये शहर कई दिग्गज राजनेताओं से घिरा हुआ है। इस शहर से लोकसभा स्पीकर रही सुमित्रा महाजन हो, या 2 नंबर क्षेत्र से लेकर राष्ट्रीय महासचिव बनने वाले कैलाश विजयवर्गीय, इंदौर को अपने सपनों का शहर बताने वाले सीएम शिवराज हो, या प्रभारी मंत्री के तौर पर कद्दावर दिग्गज नरोत्तम मिश्रा, हर कोई महापौर चयन में अपनी भूमिका कम नहीं करना चाहता। लिहाजा कई नाम उभर कर सामने आने लगे हैं। पिछली बार ये सीट ओबीसी महिला के लिए आरक्षित थी, तो विधायक रहते मालिनी गौड़ को महापौर का टिकट दिया गया, जिन्होंने 2009 में महापौर बने कृष्ण मुरारी मोघे की विरासत को कायम रखा। 2009 में ये सीट सामान्य थी,
ऐसे में 13 साल बाद ये फिर अनारक्षित हुई, यानी सबके लिए ओपन। ऐसे में कांग्रेस ने जहां सामान्य व्यक्ति के वर्ग को ही टिकट देने का फैसला लिया है, वहीं बीजेपी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर हो सकता है कि सामान्य की बजाय किसी ओबीसी या एससी वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे दे। खैर, बीजेपी दिग्गजों की पसंद के हिसाब से आधा दर्जन से ज्यादा नाम सुर्खियों में है। सबसे पहले बात सुमित्रा महाजन खेमे की, जिनकी पसंद सुदर्शन गुप्ता और ओबीसी वर्ग के मधु वर्मा हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो उनकी पसंद रमेश मेंदोला और ओबीसी वर्ग के जीतू जिराती हैं। वहीं पूर्व संगठन महामंत्री और महापौर रहे कृष्ण मुरारी मोघे चाहते हैं कि गोपी कृष्ण नेमा को टिकट मिले। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर और संघ की पहली पसंद गोविंद मालू हैं। अब अगर इन नामों और उनके मेंटर की बात करें तो ताई फिलहाल सक्रिय राजनीति से दूर हैं। वहीं उनकी पसंद के सुदर्शन गुप्ता का संजय शुक्ला से पुराना विवाद रहा और गुप्ता को हराकर ही संजय विधायक बने, जबकि मधु वर्मा भी लंबे अरसे से किसी पद पर नहीं है। अब बात कैलाश विजयवर्गीय खेमे की करें तो वो चुनाव समिति में इस संभाग से एकमात्र सदस्य हैं। ऐसे में अगर कोई क्राइटेरिया नहीं बना तो उनकी पसंद को ही तरजीह मिल सकती है। वहीं प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, तो हो सकता है कि ये दो चेहरे ही महापौर का चेहरा तय करें। हालांकि विवाद के हालातों में हमेशा संघ अपना वीटो पावर लगाता रहा है। 2004 में भी उमा शशि शर्मा और 2009 में कृष्ण मुरारी मोघे इसी तरह महापौर बने थे। ऐसे में गोविंद मालू भी दावेदार हो सकते हैं। हालांकि वे खनिज विकास निगम के उपाध्यक्ष और मीडिया प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन वीडी शर्मा की प्रवक्ता टीम में उन्हें जगह नहीं मिली। हाल ही में ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखकर इंदौर की ही कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा गया। तो सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी सामान्य सीट पर भी किसी ओबीसी चेहरे को आगे कर सकती है, क्योंकि बीजेपी निकाय पंचायत में ओबीसी वर्ग को 27% टिकट देने का वादा कर चुकी है। ऐसे में सामान्य वर्ग और ब्राह्मण फैक्टर का निगेटिव असर भी चिंता बढ़ा सकता है। फिलहाल बीजेपी महापौर चेहरे के लिए गोपनीय सर्वे भी करा रही है, जिसमें मतदाताओं से उनकी पसंद पूछी जा रही है। अगर लोकप्रियता का पैमाना रहा तो कोई जाना पहचाना चेहरा ही मैदान में दिखेगा, बाकी सरप्राइज तो बीजेपी देती ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन न्यूज। संजय के सामने कौन, कुछ सवाल तो खड़े होते हैं। चर्चा शुरू हो उसके पहले सवाल आपकी स्क्रीन पर। कांग्रेस के संजय के सामने कौन, बीजेपी के लिए उम्मीदवार चयन आखिर चुनौती क्यों, इंदौर महापौर के लिए राष्ट्रीय महासचिव कैलाश की पसंद क्या भाजपा की पसंद साबित होगी, विधायक रहते संजय शुक्ला की पार्टी के अंदर महापौर टिकट पर स्वीकारता क्या कांग्रेस की ताकत साबित होगी, क्या भाजपा किसी विधायक या चुनाव हार चुके महापौर को उम्मीदवार घोषित करने का क्राइटेरिया बनाएगी, क्या सामान्य सीट से कैलाश की पहली पसंद रमेश मेंदोला और दूसरी पसंद पिछड़ा वर्ग के जीतू जिराती में से कोई एक, संघ की पसंद पूर्व मीडिया प्रभारी गोविंद मालू पर क्या शिवराज नरेंद्र ज्योतिरादित्य कैलाश सुमित्रा की सहमति बनेगी, विष्णु दत्त की भाजपा क्या इंदौर से कोई नया चौंकाने वाला चेहरा सामने ला सकती है, संजय शुक्ला की चुनौती भाजपा या फिर कांग्रेस को एकजुट साबित करना होगी, संजय शुक्ला कांग्रेस के लिए मजबूरी या जरूरी, क्या कमलनाथ दिग्विजय सिंह सुरेश पचौरी की पहली और अंतिम पसंद, संजय शुक्ला जाना पहचाना चेहरा क्या भाजपा संघ की पृष्ठभूमि की आड़ में किसी गुमनाम चेहरे पर लगाएगी दाव, चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंदौर से ही जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा, उमेश शर्मा जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, और योगेश यादव जो कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे सहयोगी गीत दीक्षित जी। गीत जी, इंदौर महापौर का चुनाव, संजय नाम एक तरह से घोषित, तो संजय के सामने कौन हो सकता है, अभी सहमति का अभाव है, कोई चौंकाने वाले फैसले सामने आ सकता है, कोई नया चेहरा भाजपा की ओर से? देखिए स्वाभाविक तौर से राकेश जी, इंदौर जो
प्रदेश की आर्थिक राजधानी मानी जाती है उसमें भाजपा ये चाहेगी कि वो सीट बरकरार रखे। लगातार 15 वर्षों से भाजपा ने अपने वहां महापौर का पद बरकरार रखा है और इसी कारण मालिनी गौड़ के बाद अब अगर विधायक वाला क्राइटेरिया नहीं आता है तो संघ से भी नाम आ सकता है, और अगर उसमें अगर बात की जाए कि अगर विधायक के क्राइटेरिया की बात आएगी तो कैलाश जी की पसंद भी आएगी। इसके अलावा उमा शशि शर्मा का नाम भी चल सकता है, जीतू जिराती का जैसा आपने ओबीसी वर्ग से नाम लिया, लेकिन ओबीसी में एक फैक्टर आ सकता है क्योंकि महू से कविता पाटीदार को राज्यसभा भेज चुके हैं, ऐसे में परिस्थिति वही बनेगी। वो भी अपने आप को पिछड़े वर्ग से बोलते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है, लगातार कई मंचों में बोले हैं कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं। और मुझे ऐसा लगता है राकेश जी कि भाजपा वहां संघ के किसी चेहरे या जो स्थानीय नेता हैं उनकी पसंद का कौन हो सकता है, और सामूहिक सहमति से अगर संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर चुनाव लड़ा गया तो कांग्रेस को चुनौती दे पाएंगे, वरना यह होगा कि अगर एक दूसरे की सरपटापल हुई तो वहां थोड़ी सी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। रमेश मेंदोला हो, महेंद्र हार्डिया हो, चाहे सुदर्शन गुप्ता हो, ये तीन नाम इस समय चर्चित हैं, लेकिन उमा शशि शर्मा का नाम भी भुलाया नहीं जा सकता क्योंकि वो पूर्व महापौर रह चुकी हैं। लेकिन इंदौर को तो भाजपा का गढ़ है, जो भी चुनाव हो, पार्षद से लेकर महापौर, लोकसभा का, विधानसभा का, भाजपा का अपना वर्चस्व साबित होता रहा है। ऐसे में संजय शुक्ला जो स्वीकारिता बनी है वो भाजपा के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई चुनौती है? कांग्रेस से ज्यादा संजय शुक्ला से लड़ना होगा भाजपा को? देखिए, स्वाभाविक तौर से संजय शुक्ला ने पिछले कुछ दिनों से लगातार जो जनता के हित के काम किए हैं और पिछले एक साल से वो राकेश जी सक्रिय हैं। क्षेत्र की बात कर लूँ तो पूरे इंदौर शहर में उन्हें चाहे जल की व्यवस्था हो, चाहे किसी तरह अन्य कोई समस्या हो, उसको लेकर वो निजी तौर पर खड़े हो जाते हैं। पिछले दिनों खुद वो जीतू पटवारी के घर पहुँचे, उनसे आशीर्वाद लिया, और ये माना जा रहा है कि उनकी इंदौर के स्थानीय नेताओं में ट्यूनिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। और जबरदस्त होना मतलब इंदौर की राजनीति को अगर देखा जाए, अगर वहां नेताओं में आपस में समन्वय हो गया तो जीत या आपका बल जो है मजबूत हो जाता है। चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले हम योगेश यादव जी के पास जाते हैं। योगेश जी, संजय का नाम डिक्लेयर माने चर्चा में रहा है, पार्टी की मोहर लगना बाकी है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए संजय विधायक रहते? संजय शुक्ला जी कांग्रेस के एक ऐसे प्रतिनिधि साबित हुए हैं जिनका प्रथम लक्ष्य, जो कांग्रेस का लक्ष्य है, जनता की सेवा करना, जनता के लिए समर्पित रहना, वो विधायक बनने के बाद भी उनकी निरंतरता, निर्बाध गति से उन्होंने कार्य किया है और इंदौर में एक अच्छी लोकप्रियता लेकर चलते हैं, तो निस्संदेह वो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे और उनको यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है माननीय कमलनाथ जी की तरफ से, और वे एक अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे। ये इस बात का संकेत है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवार के मामले में एक संशय स्पष्ट हो गया है कि जितने कद्दावर नेता संजय शुक्ला जी हैं, शायद उस कद का नेता भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पा रहा है, तो इसके कारण उहापोह की स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी में कायम है। बिल्कुल, आपकी बात मान लेते हैं कि भाजपा फिलहाल तय नहीं कर पा रही क्योंकि संजय की कांग्रेस के अंदर स्वीकारिता बन चुकी है, लेकिन उदयपुर कांग्रेस के चिंतन मंथन से 50% युवाओं के साथ नए चेहरों को सामने लाने की भी बात कांग्रेस के अंदर थी, तो एक विधायक है आपके पास, एक व्यक्ति एक पद की बात भी कांग्रेस के अंदर चल रही है, कई इस्तीफे हुए हैं और नई जमावट में उनको दूर रखा जा रहा है, तो विधायक रहते संजय शुक्ला की ताकत कांग्रेस की ताकत है या फिर किसी चेहरे का अभाव है इसलिए ही एक विधायक पर दांव लगाया जा रहा है? हेलो जी, हेलो, सवाल सुना आपने योगेश जी? भारतीय जनता, हाँ सुन लिया मैंने आपका सवाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। हाँ देखिए, कांग्रेस की तरफ से कुछ ऐसा तय नहीं किया गया कि एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है दूसरे पद पर, ये भारतीय जनता पार्टी ने जरूर तय किया है कि जो विधायक की सीट पर है वो दूसरा चुनाव प्रत्याशी के रूप में नहीं आ सकते। कांग्रेस के लिए लोकप्रियता, कांग्रेस के लिए समर्पण करने के मामले में हर मापदंड में संजय शुक्ला श्रेष्ठ साबित हुए हैं, और मैं मानता हूं कि भाई मधुकर वर्मा के बाद महापौर के रूप में यदि आप देखेंगे तो संजय शुक्ला जी को कांग्रेस के महापौर के रूप में देखेंगे, क्योंकि इंदौर की जनता एक काफी समय से इस बारे में प्रतीक्षातुर है कि कांग्रेस का महापौर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति से नहीं हुआ,
या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया नहीं, वो इंदौर के नागरिकों की स्वयं स्फूर्त चेतना थी, जागरूकता थी, अवेयरनेस थी, या इंदौर एक प्रतिनिधि पत्रकारिता का प्रतिनिधि नगर है, वहां का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां का प्रिंट मीडिया इतना जागरूक है, इसके कारण इंदौर का जितना भी विकास हुआ है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का योगदान आप देखेंगे तो एक औपचारिक योगदान रहा है। ये स्वयं स्फूर्त चेतना से बड़ा हुआ शहर है, इसलिए इसमें एक प्रभावी और जनता के बीच में घुले मिले जाने वाले महापौर की आवश्यकता है, और निसंदेह संजय शुक्ला इन सभी मापदंड पर बैठते हैं, खड़े बैठते हैं। चलिए, लेकिन उमेश शर्मा जी, जो बात योगेश जी ने कही है, क्या उसमें दम है कि उनके तो एक नाम पे स्वीकारिता है, कोरोना काल ने भी एक उनको एक परीक्षा के दौर से गुजरे हैं, तो लोगों ने उनकी मेहनत को, उनके समर्पण को सराहा है। भाजपा में आखिर टोटा क्यों है उम्मीदवार का? और थोड़ा स्पष्ट करिए, क्या किसी विधायक पर भाजपा दांव लगा सकती है जबकि वो परिवारवाद से छुटकारा पा रही है, या फिर पट्टावाद देखने को मिलेगा? राकेश जी, एक तो छोटे जैसा तो कोई बात है नहीं, बल्कि मैं तो आपके इस प्रश्न पर इसलिए आक्रमोदित हो सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने तो आवश्यकता से अधिक सामर्थ्यवान और क्षमतावान समान योग्यता वाले बहुत सारे चेहरे हैं, और भारतीय जनता पार्टी बहुकोणीय दृष्टिकोण पर विचार करके अपने उम्मीदवार पर मोहर लगाएगी, और भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक पद्धति है, कोई भी चुनाव आता है उम्मीदवारी तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अपना एक सिस्टम होता है, हमारे यहाँ जिला चयन समिति होती है, हमारे यहाँ संभाग चयन समिति होती है, हमारे यहाँ प्रदेश की चुनाव समिति होती है, और जहां तक महापौर की उम्मीदवारी का प्रश्न है, जिस समय संभाग की समिति यहाँ से अनुशंसा करके नाम प्रेषित करेगी और हमारी प्रदेश की चुनाव समिति किसी एक नाम पर मोहर लगाएगी, तो छोटे जैसा तो कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि एक से एक महाबलशाली भीम जैसे पराक्रमी और प्रकटित छाती और स्कंद वाले चेहरे भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहे हैं। तो उमेश जी ये माने कि उम्मीदवार कोई भी हो, जिसको खड़ा किया जाएगा वो चुनाव जीतेगा, ये पार्टी के नेताओं का बयान भी है, तो ये माने कि संगठन और सरकार का जो भी चेहरा बनेगा वही चुनाव लड़ेगा, लेकिन क्या इतना स्पष्ट करेंगे? जिस परिवारवाद पर नड्डा जी एक क्राइटेरिया बना के गए हैं, तो नेता पुत्र तो बाहर हो गए, अब क्या विधायक पर भी दांव लगाएंगे, एक व्यक्ति एक पद की बात है, या फिर बड़े नेताओं के सागिर्द ही माने पट्टावाद आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा? राकेश जी, मुझे एक मिनट आप थोड़ा सा आवाज रूप से बोलने दीजिए, मुझे लगता है कि आपकी इतनी अच्छी जिज्ञासाएं होती है और आपके प्रश्न तो इतने सटीक होते हैं, और मैं तो आपको बड़ा गंदा गुरु है आप, मेरे मैंने आपका गंदा पाल रखा है, मैं फटाफट धड़ल धड़ल आपकी सारी बातों का जवाब दे देता हूँ। एक तो योगेश भाई साहब ने कहा था कि कोई उस कच्चा नेता नहीं मिल रहा, तो भारतीय जनता पार्टी बोले कच्चे लोगों को तलाश नहीं गई है, अब ये ऊंट पर बैठ के पकड़ियां चराने का शक्ल कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई आंतरिक लोकतंत्र तो है नहीं, कमलनाथ जी के दिल में ख्याल आया कि मैं तुझे मोहब्बत करता हूँ, उन्होंने आके मंच से ऐलान कर दिया साल भर पहले के संजय शुक्ला हमारे उम्मीदवार होंगे, क्या कांग्रेस पार्टी में इसके बारे में कोई समिति में विचार करा गया कि नहीं, उनका आंतरिक विषय है, हमको उसके बारे में कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, हमारे यहाँ निर्णय में सामूहिकता होती है, सामूहिकता के आधार पर विचार विमर्श करके बहुकोणीय दृष्टिकोण पर विचार करा जाता है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि राकेश जी, जो लोग ऊंट पर बैठ के गठरिया बकरियां चढ़ाया करते हैं, कभी कभी दुर्भाग्य ऐसा भी होता है कि ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है, और जो बड़ा सारा बखान संजय शुक्ला जी के बारे में कहा जाता है, कोरोना काल के उनके काम गिना देता हूँ, कोरोना काल के अंदर इंदौर के डॉक्टरों को कोसने का काम संजय शुक्ला ने करा, कोरोना काल के अंदर जो जिला प्रशासन रात दिन मेहनत कर रहा था जान अतेली के लेके उनको कोसने का काम संजय शुक्ला ने करा, कोरोना काल के अंदर सरकार को बार बार कटघरे में करके निराशा पैदा करने का लोगों में नागरिकों में काम संजय शुक्ला ने करा, संजय शुक्ला एकमात्र वो नेता थे मध्य प्रदेश के जो भरे कोरोना काल में बैठ कर एक निराशाजनक प्रकोबंदा वाली राजनीति कर रहे थे, तो ऐसे चेहरे के खिलाफ चुनाव लड़ना भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत मुश्किल चुनौती लगती रही है एक बार, और दूसरी बात आपने जो कही थी राकेश जी, बहुत गंभीर बात आपने कही है, और गंभीर बात का बहुत फिनिशियता से उत्तर कि कोई भी राजनीतिक दल जीत की ठेकेदारी नहीं ले सकता, लेना भी नहीं चाहिए, जीतने और हारने का निर्णय करने का सर्वाधिकार जनता के पास होता है, जनता जिसके पक्ष में जरा भेज देगी मता भेज देगी वो विजय होगा, और हमारे पक्ष में इसलिए आएगा कि हमारे पास चार चार पांच पांच महापुरुषों का यशस्वी कार्यकाल है। उमेश जी, आपने बड़ी विस्तार से बात रखी है,
पर मेरा जो सवाल था, जो जिज्ञासा थी, और जो कार्यकर्ता भी जानना चाहता है कि वो क्राइटेरिया क्या होगा, क्या एक विधायक पर दांव लगाया जाएगा, क्या परिवार का कोई सदस्य सामने आएगा, या उम्र का कुछ क्राइटेरिया नए चेहरे को सामने लाएगा, या फिर कुछ और भी देखने को मिल सकता है चौंकाने वाला? राकेश जी, भारतीय जनता पार्टी एक तो चौंकाने वाली राजनीति नहीं करती है, और जो मापदंड भारतीय जनता पार्टी में तय होंगे, ये समय चुनाव समिति की बैठक होगी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिशा निर्देश दिए हैं उन आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करा जाएगा। प्रदेश की टोली जिस समय विचार करेगी उन सारे मापदंडों पर विचार करा जाएगा, और इन सब मापदंडों का जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदान करे पालन करते हुए एक ऐसा सुयोग्य चेहरा उतारा जाएगा जो विशुद्ध रूप से इंदौर शहर की राजनीति का चेहरा होगा, और पूरा इंदौर शहर उससे भलीभांति परिचित होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव का उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, मैं आपके चैनल पर बहुत आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि जैसे ही हमारा महापौर घोषित होगा, आप मान के चलेगा कि 85 में से 70% हमारे, ये तो उसी क्षण चुनाव जीत जाएंगे। हमारे महापौर का चेहरा जो है वो इतना चमकदार और इतना, चलिए बिल्कुल आपकी बात मान लेते हैं। अब हम प्रवीण शर्मा जी के पास जाना चाहेंगे। सर, इंदौर की राजनीतिक मिजाज को आपसे बेहतर कौन जानता होगा? चुनाव महापौर का है, दबदबा बीजेपी का साबित होता रहा है, पर बीजेपी बदली है, ऐसे में कांग्रेस ने जो अपना उम्मीदवार सामने ला दिया है, क्या बीजेपी पर दबाव बढ़ गया है और वो नए सिरे से सोचने को मजबूर है, जबकि इंटरनल पार्टी के अंदर क्राइटेरिया को लेकर एक बहस अलग चल रही है नीति और नियत को लेकर के? ऐसे में बीजेपी में कम से कम चुनाव से पहले उम्मीदवार का चयन आसान नहीं है, सहमति का अभाव है। प्रवीण जी, प्रवीण जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, प्रवीण जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। गीत जी, इसी सवाल को जिज्ञासा आप शांत करिए कि क्या बात है। राकेश जी, एक बात है, भाजपा के साथ एक ये बात जरूर है कि भाजपा वहाँ इंदौर का एक अपना गढ़ है, एक किला है, जिसको भेदना कांग्रेस के लिए बड़ा कठिनाई भरा सफर है। लेकिन बदलती बीजेपी में जब नए क्राइटेरिया, नई बहस, पीढ़ी परिवर्तन का दौर, सिद्धांत का दोहाई दी जा रही है, ऐसे में क्या संजय शुक्ला का नाम लाके कांग्रेस ने एक प्रेशर बना दिया है बीजेपी पर? देखिए राकेश जी, एक साल पहले अगर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है तो ये मानकर चलिए कि भाजपा को खुली चुनौती थी, और भाजपा को ये चुनौती इसलिए भी थी कि भाजपा के पास वहां केंद्र, क्योंकि आपने एक नीति, एक सिद्धांत तय कर दी है। अगर जेपी नड्डा जी का आप बार बार उदाहरण दे रहे हैं तो परिवारवाद की बात वहां नहीं चलेगी, पट्टावाद की राजनीति नहीं चलेगी, तो वहां चेहरा कौन है जो महापौर का चुनाव जिता सके? महापौर का चुनाव जिताना मतलब आपको 6 विधानसभा जीतना है, 6 विधानसभा वो विधानसभाएं जिसमें 2 कांग्रेस बाहुल्य मानी जाती हैं, उन सीटों पर आपकी जीत सुनिश्चित कैसे हो, वो चेहरा कौन होंगे? और दूसरा, जहां तक मेरी लंबी समझ है इंदौर के मामले में और राजनीतिक पृष्ठभूमि की, तो अगर अंदर खाने अगर कलह रही तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा उस चुनौती से पार पा पाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि वहां सामूहिकता से निर्णय होगा। लेकिन इसमें एक चौंकाने वाली बात जो बार बार आप कह रहे हैं, क्या वीडी शर्मा की सहमति इन बड़े नेताओं के नाम पर बन पाती है या नहीं? चलिए, प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ गए, आवाज पहुंची। प्रवीण जी, बीजेपी पर प्रेशर बढ़ गया है, संजय शुक्ला का नाम अघोषित तौर पर ही सही सामने कांग्रेस द्वारा लाया जा चुका है, तो बदलती बीजेपी के सामने जब सिद्धांत, क्राइटेरिया, नड्डा जी की लाइन, एक दबाव ज्यादा बढ़ गया है जिसमें एक नाम पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा, अगर होगा तो वो कौन? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप अपनी बात रखें। जी, ये सच है कि मैंने कहा कि संजय शुक्ला के रूप में कांग्रेस को एक प्रारंभिक बढ़त मिली है, लेकिन इससे बहुत खुश नहीं होना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि भाजपा यहाँ बहुत प्रबल रूप में मौजूद है, और भाजपा के पास जिस तरह का कार्यकर्ता तंत्र है, और जो उनका जीत का मंत्र है कि वो जिस भी कार्यकर्ता को खड़ा कर देंगे उसके लिए पूरी पार्टी एकजुट होकर काम करेगी, तो वो अभी तक भाजपा में बचा हुआ है। हालांकि ये बात सच है कि कांग्रेस, भाजपा के जो नेता हैं, बहुत बड़ी एक फहरिस्त है जो लड़ना चाहती है महापौर प्रत्याशी का चुनाव, और बहुत सारे काबिल प्रत्याशी भी हैं भाजपा के पास, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार भाजपा चौंकाने वाला नाम देगी। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के जो नाम चल रहे हैं लोकल जो नेता हैं उनके किसी दबाव में भाजपा इस बार आने वाली है,
और मुझे लगता है कि इस मामले में हाईकमान सीधे सीधे, जो मुझे पता चला है कि हाईकमान का भी सीधे रुचि है इंदौर के महापौर के पद पर, तो मुझे लगता है कि इस बार चौंकाने वाला नाम हो सकता है आपके पास। लेकिन सर प्रवीण जी, जो फैक्टर काम करते हैं इंदौर में टिकट चयन में, कोई भी चुनाव हो उसमें कैलाश विजयवर्गीय वो चुनाव समिति के सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, ताई जरूर थोड़ा दूर हैं लेकिन उनकी नज़र होगी, विष्णुदत्त एक भाजपा का नया चेहरा है उनका भी इंटरेस्ट होगा, कहीं ना कहीं शिवराज जी 15 साल से इंदौर को देख रहे हैं तो उनकी भी एक व्यक्तिगत पसंद हो सकती है, और अब महाराज की एंट्री हो चुकी है तो इंदौर पर उनकी भी नज़र होगी, कोई ऐसा नाम है जिस पर भाजपा सहमत हो सके और संघ का पीछे से एक अलग दखल देखने को मिलता रहा है? देखिए मुझे यदि ये विधायक वाला क्राइटेरिया जब लागू हो गया है तो रमेश मेंदोला उससे बाहर हो गए हैं जो कैलाश जी की पहली पसंद होते हैं, लेकिन अभी इसका ऐलान नहीं हुआ सर कि विधायक का क्राइटेरिया मेरे ख्याल से मोटे मोटे रूप में ये फाइनल हो गया है, चर्चा में है जानकारी, हाँ कि चर्चा में है लेकिन ये अंततः फाइनल होगा, और भाजपा वैसे जिताने वाले कैंडिडेट पर दाव खेलती है। आपने रमेश मेंदोला को विधायक रहते इससे दूर किया, आगे जो आपने जो बातें कही ना कि कैलाश विजयवर्गीय जी निश्चित रूप से उनका एक अपना वजन है पार्टी के भीतर, और मुझे लगता है कि इस समय जो निर्णायक भूमिका में होंगे उसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और शिवराज जी, उनके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, और जो हाईकमान की सहमति होगी उसके आधार पर प्रत्याशी चुना जाएगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि इस बार भाजपा बहुत चौंकाने वाला नाम देगी, हो सकता है कोई ऐसा प्रत्याशी भाजपा दे दे जो पार्षद का चुनाव जीता हो। चलिए समय का अभाव है सर, समय का अभाव, एक छोटी सी टिप्पणी और चाहूंगा, क्या ओबीसी चेहरा को सामान्य सीट पर उतारा जा सकता है भाजपा द्वारा, जबकि कविता पाटीदार और शंकर लालवानी दोनों इसी वर्ग से आते हैं? उससे भाजपा ज्यादा, मुझे ख्याल से भाजपा इस पर ज्यादा विचार नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी ओबीसी चेहरे को देगी मौका। ठीक है, सामान्य सीटें तो सामान्य को ही वो लड़ाएगी और पर्याप्त संख्या में उम्मीदवार भाजपा के पास मौजूद है। ठीक है, योगेश यादव जी, क्या जो कमलनाथ कहते हैं कि हर चुनाव में मुकाबला बीजेपी के कैडर से होता है, तो संजय शुक्ला के नाम पर कांग्रेस एकजुट हो चुकी है, अब अगर उसके सामने कोई चुनौती है, अगर कमलनाथ की बात माने तो भाजपा का कोई भी चेहरा संगठन की दम पर जीत सकता है या संजय शुक्ला की संभावनाएं बढ़ जाती हैं? देखिए संजय शुक्ला का राजनीतिक कद के साथ जो समाज सेवा का कद इतना व्यापक और बृहद हो गया है कि शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के सांसद या विधायक जो कोरोना काल में बिल्कुल निष्क्रिय थे वो अपने आप को बौना सिद्ध साबित हो चुके हैं, कि जिस तरीके से संजय शुक्ला ने कोरोना काल में अपनी भूमिका का निर्वाह किया, अपनी जान को जोखिम करके हॉस्पिटल में गए, एक एक पेशेंट को उठाकर लाए, वो राजनीति की समाज सेवा का एक ऐसा चरित्र है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी आइडल बन गए। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, मैंने बड़े धैर्यता से सुना है, मेरी बात बिल्कुल, आप बोलिए बोलिए, समय अभाव है। दूसरी बात ये है कि संजय शुक्ला जी राजनीति नहीं करते, संजय शुक्ला जी जिस तरीके से उमेश भाई कह रहे थे कि आलोचना इसलिए की कि कोरोना काल में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लूट चल रही थी, एकमात्र एक इंसान था संजय शुक्ला के रूप में जिसने दिन रात एक किया, आज भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के भ्रष्ट प्रशासन में पेंशन घोटाले को आप लोग भूल नहीं पाए, नर्मदा जल का आवंटन किस तरीके से हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इंदौर को ध्वस्त किया गया और स्मार्ट तो क्या, स्मार्ट से भी ज्यादा जो हमारी परंपरागत जो हमारा मालवा का सबसे खूबसूरत शहर था उसका सत्यानाश कर दिया, और आज भी जो सेकंड फेज में जो लोग ट्राई कर रहे हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं आज भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती बन गई है। उनको कैंडिडेट इसलिए नहीं मिल पा रहा है, वो एक नाम नहीं बता पा रहे हैं, कितने सारी बातें कहे, मेट्रो के मामले में भोपाल से इंदौर बहुत पीछे चल रहा है, आज जो कुछ भी हो रहा है वो मीडिया के कारण हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के कारण, और कांग्रेस के साथी जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनके कारण इंदौर में ये कार्य हो रहे हैं, और जिस तरीके से अपने आप में दम्भ दिखाना, घमंड दिखाना कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट डिक्लेयर होते से ही जीत जाएगा, तो जनता जनार्दन की शक्ति बहुत है, उसमें एक चेतना होती है, उसमें एक विजन होता है, और आपको विगत 3 दशकों से देखा जा रहा है कि किस तरीके से जनता के साथ धोखा हो रहा है। कांग्रेस के संजय शुक्ला निर्विवाद सेवा भाई और एक सहज सरल युवक है, और आने वाले समय में कांग्रेस के लिए एक इतिहास रचने के लिए जा रहे हैं। योगेश जी, आपने विस्तार से बात कही और अब हम चर्चा का समय खत्म नहीं कर रहे, इस चर्चा को और आगे ले जा रहे हैं, और धैर्य से
आप सब लोगों से उम्मीद रखता हूं कि एक सार्थक चर्चा आगे बढ़ाएंगे। अब बात आती उमेश जी, आपका जवाब योगेश जी ने बखूबी दे दिया है, पर मेरा सवाल यह है कि भाजपा एक सिद्धांत और क्राइटेरिया की बात करके आगे बढ़ती है कि नई पीढ़ी को एक संदेश जाए, तो क्या ये माना जाए कि सामान्य सीट पर ओबीसी का कोई हस्तक्षेप या कोई ऐसा रिस्क या जोखिम या आवश्यकता बीजेपी को महसूस नहीं होगी कि वो ओबीसी चेहरा किसी को लाके खड़ा कर दे? राकेश जी, आरक्षण में तो सामान्य जैसा शब्द होता ही नहीं है, उसमें तो जो सीधा शब्द है तकनीकी रूप से वो है अनारक्षित जी। अनारक्षित का मतलब होता है किसके लिए उपलब्ध है, सबके लिए उपलब्ध है, तो भारतीय जनता पार्टी जो ठीक समझेगी वो करेगी, वो केवल सामान्य के लिए इसमें ये वो अनारक्षित है, तो अनारक्षित इन किसी को भी अधिकार प्राप्त है चुनाव लड़ने का। भारतीय जनता पार्टी सोचेगी कि अगर ये योग्यतम है तो हो सकता है कि इस प्रकार का भी चेहरा भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ सकता है कि जो सामान्य श्रेणी में नहीं आता हो वो किसी की श्रेणी में भी आता हो, ऐसा भी संभव है कि ऐसा भी किया जा सकता है। ये तो अंततः भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की चुनाव समिति तय करेगी, और मैंने कहा है कि बहुकोणी दृष्टिकोण के आधार पर विचार करा जाता है। भारतीय जनता पार्टी की कठिनाई ये थोड़ी है कि हमको संजय शुक्ला के खिलाफ चेहरा नहीं मिल रहा, भारतीय जनता पार्टी का तो जो चुनौती है वो स्वयं से है। हम चाहते हैं कि हमारा महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा हो, हम चाहते हैं हमारा महापौर मोगे जी जैसा हो, हम चाहते हैं डॉक्टर उमा शशि शर्मा और मालिनी गौड़ में जो कीर्तिमान स्थापित करे हैं उन कीर्तिमान की पताका को आगे ले जाने वाला चेहरा हो, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो चुनौती है वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो चार पांच पुराने महापौर रहे हैं वो हमारी चुनौती है। हमारी चुनौती और हमारी चिंता ये है कि हमारे महापौरों ने जिस प्रकार का काम किया है, और कैलाश विजयवर्गीय जी जनभागीदारी का कंसेप्ट लाए जो प्रदेश में सराहा गया, डॉक्टर उमा शक्ति शर्मा ने नीम सिटी ग्रीन सिटी लेके आई जो प्रदेश भर के अंदर एक मिसाल बनी है, और हमारे जो कृष्ण मुरारी मोगे थे उन्होंने इंदौर के अंदर एक अलग तरह का इतिहास रचा, और मालिनी गौड़ ने भी कमाल करा है, पांच पांच बार स्वच्छता में नंबर वन आए। एक समय तो ऐसा था कि मधुकर वर्मा जी की योगेश भाई बात करा करते थे तो नगर निगम के अंदर पांच एक कम बैठते थे, चौराहों पर ढोर जानवर ज्यादा बैठा करते थे, तो इस सारे ग्रुप चेहरे को ठीक करने का काम हमारे महापौरों ने करा, तो हमारी चिंता तो अपने महापौरों तो के समतुल्य ना भी मिल पाए तो कम से कम उनके काम को आगे बढ़ाने वाला चेहरा चाहिए, ये हमारी चिंता है। लेकिन उमेश जी, उमेश जी मानते ही नहीं है जी। जी उमेश जी, मैं आप ही बैठा हुआ हूँ भी, आपने बहुत से चेहरों का नाम गिनाया, लेकिन अगर बीजेपी तीन बार की पार्षद सुमित्रा जी को राज्यसभा में भेज रही है, या जिला पंचायत अध्यक्ष रहती कविता जी को महामंत्री बना करके राज्यसभा में भेज रही है, तो आपने जो चेहरे गिनाए वही क्यों नया कार्यकर्ता नया चेहरा नई पीढ़ी के साथ सामने लाने का दांव या वो उसको लाने का जोखिम मोल क्यों नहीं ले रहे हैं? तो योगेश जी, अभी राकेश जी इस पर पूर्ण विराम कहा लगा है, और प्रवीण जी ने तो कहा है कि चौंकाने वाला है, हो सकता है कि उमेश शर्मा फोन मिल ले, हो सकता है कि कोई और नौजवान पुष्पित्र भार्गव लड़ ले, हो सकता है कि कोई और नौजवान चेहरा लड़ ले, उन्होंने कहा है ना कि चौंकाने वाला नाम आएगा योग्य आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी तरफ से कोई पूर्ण विराम लगाया नहीं। अच्छा, जो चुनाव हार चुका है उमेश जी, चाहे वो विधायक का हार चुका हो या दूसरे चुनाव हार चुका है, एक से ज्यादा हार चुका है, क्या उस पर भी दांव लगाने का विकल्प खोल के रखेगी भाजपा? राकेश जी, लोकतंत्र के अंदर हार जीत स्वाभाविकता होती है, हारना किसी व्यक्ति के लिए अयोग्यता नहीं होती और जीतना किसी व्यक्ति की योग्यता का मापदंड नहीं होता है, हार और जीत जनता के हाथों में होती है, तो हार और जीत को मापदंड बनाकर महापौर के चुनाव का निर्धारण नहीं होगा। मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्यारा चेहरा लाएगी कि ये जो पूरी लड़ाई है ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प बनाई जाएगी, और दिलचस्प इसलिए बनाई जाएगी कि हमने तो शुरू दिन से चुनौती नहीं माना, हमने तो कोरोना काल में भी उनको पनौती माना था, जो पूरे शहर भर के अंदर एक निराशा का वातावरण पैदा करने के लिए राजनीतिक पुंगी बजाते दिले थे, अगर उनको कोरोना के पहले महापौर ने, ये तो पिछले कोरोना में इनके घर से जो अनाज मांगने बाइया गई थी उनको धक्के देकर मार के बताया गया क्योंकि तब ये महापौर के उम्मीदवार नहीं थे, तो ऐसा क्या हो गया कि जो संजय शुक्ला पहले कोरोना के अंदर इतने सफल भाव से शहर में स्वभाव कर रहे थे और दूसरे कोरोना काल में बड़े दानवीर हो गए? आप बताइए कि कोरोना काल में संजय शुक्ला जी की दिवाई निराशा पैदा करने के और क्या उपलब्धि रही है? कौन सी लाते उन्होंने ढोली है? एक सीट पहन के कोरोना की जाके और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने एक राजनीतिक उमेश जी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, लेकिन जिस तरह से आपने टारगेट किया है संजय शुक्ला में तो दम तो नजर आता है, वरना आप इन शब्दों का प्रयोग एक धार नहीं देते, आक्रमण इतना पहना नहीं होता। गीत जी क्या मानते हैं,
कि जिस तरह से उमेश जी ने पुराने चेहरों को भी रखा, ओबीसी का विकल्प भी खोल के रखा और चौंकाने वाले चेहरे की बात कर रहे हैं, तो गंभीर चिंतन मंथन के दौर से इस वक्त सारे महापौर के टिकट हों, लेकिन इंदौर पर कुछ ज़्यादा ही पैनी नज़र है। राकेश जी, मैं चूंकि उमेश जी हों, योगेश जी हों, चाहे प्रवीण जी हों, तीनों ही जानते मैं वो बात कहने जा रहा हूँ जो वाकई में बहुत चौंकाने वाली होगी। आप भी चौंका दीजिए। मैं बता रहा हूँ सर, संजय शुक्ला का चयन कांग्रेस ने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि संजय शुक्ला का ही एकमात्र घर वो है जहां भाजपा और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उनके पिता कट्टर भाजपाई नेता, संघ के बड़े पैरोकार, उनका जो उनके जो छोटे भाई हैं, बड़े भाई जो हैं रायन शुक्ला, वो चुनाव लड़ चुके हैं एक नंबर से, वो हारे हैं अलग बात है, और उसके बाद विष्णु प्रसाद शुक्ला हारे हैं सुरेश सेठ से। अगर बात करें संजय शुक्ला कांग्रेस, तो भाजपा और कांग्रेस अगर किसी एक के घर में है तो चुनौती किसके लिए बड़ी होगी? कांग्रेस ने तो अपने पत्ते साफ कर दिए क्योंकि संजय शुक्ला ने चुनौती दी थी। योगेश जी इस बात को स्वीकारेंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है। संजय शुक्ला ने साफ तौर पर कहा था किसी एक बड़े नेता के माध्यम से कि मैं महापौर का चुनाव जीत कर आऊंगा। अब ये एक चुनौती किस बात की? अब रही बात भाजपा के पास, भाजपा के पास चौंकाने वाला नाम होगा, प्रवीण जी की बात से सहमत हूं, उमेश जी की बात से सहमत हूं, लेकिन क्या वो नाम संघ से आएगा? क्योंकि अभी तक ये माना गया है इंदौर की परंपरा में, चाहे मैं कृष्ण मुरारी मोगे जी की बात कर लूं, चाहे मालिनी गौड़ की बात कर लूं, चाहे उमा शशि शर्मा की बात कर लूं, ये वो तीनों नाम हैं जो कहीं ना कहीं पीछे पर्दे के पीछे संघ से जुड़े हुए रहे हैं। तो क्या वहां संघ की पसंद चलेगी या संगठन की पसंद चलेगी? चलिए प्रवीण जी के पास चलते हैं। प्रवीण जी, बहस में कहीं ना कहीं एक पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी, संघ, भाजपा, कांग्रेस चर्चा में है, लेकिन क्या मानते हैं कि अगर संजय शुक्ला का नाम सामने आ चुका है तो भाजपा के पास जो बेहतर विकल्प है वो नया चेहरा सामने लाए? तो क्या गुमनाम चेहरा जिसको सामने लाएंगे वो कैडर के दम पे चुनाव जीत जाएगा, जैसा आपने भाजपा की ताकत को बताया है, या फिर ये जोखिम मोल लेना होगा? क्योंकि संजय कोरोना के बीच में लोगों की अगर या तो दिल में रहे या फिर दिमाग में आ चुके हैं। ये देखिए, ये बात सच है कि संजय शुक्ला ने प्रारंभिक बढ़त ले ली है और वो कांग्रेस के पास सर्वश्रेष्ठ सुलभ और अच्छे उम्मीदवार है, उनसे बेहतर कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार है नहीं महापौर का। ये तो ये कांग्रेस के लिए सर जरूरी है या फिर कांग्रेस की मजबूरी भी है संजय शुक्ला? और क्या ये कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और सुरेश पचौरी तीनों की पसंद है और ये पहली पसंद नहीं अंतिम पसंद है? ये आपने बहुत अच्छा जुमला इस्तेमाल किया है कि जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि दोनों ही रूप से वो सक्षम है, उनमें अपार ऊर्जा है, उनमें धन की ऊर्जा है, उनमें कार्य करने की ऊर्जा है और उनमें जो बिखरी हुई कांग्रेस को थोड़ा बहुत समेटने की ऊर्जा है। पर अभी मैं मुझे लगता है कि कुछ बात इस पर जो चौंकाने वाले नामों को लेकर है, एक तो मुझे लगता है कि यदि संघ की चली तो वो निशांत खरे भी उम्मीदवार हो सकते हैं या पुष्यमित्र भार्गव हो सकते हैं, या संगठन की चली तो गोविंद मालू से लेकर उमेश शर्मा तक और जीतू जिराती से लेकर रमेश मेंदोला तक, ये सारे नाम भी हो सकते हैं। पर इस सब में मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये सारे दमदार चेहरे हैं और भाजपा का चूंकि अपना जो कार्यकर्ता तंत्र है वो इतना मजबूत है और जो शहर में इस समय जो मैं माहौल देख रहा हूँ कि निश्चय ही संजय शुक्ला एक मजबूत दावेदार है कांग्रेस की तरफ से और वो गंभीर चुनौती भी पेश करेंगे, लेकिन फिर भी भाजपा यहाँ से आसानी से चुनाव जीतेगी चाहे वो किसी को प्रत्याशी खड़ा करे। तो इसकी वजह आप बार बार कह रहे हैं बीजेपी का कैडर, लेकिन 15 महीने की इस बीच में कमलनाथ सरकार भी सामने आई है, उसके पहले भाजपा की सरकार और अब उसके बाद, तो लोगों को 15 महीने और 15 साल का भी तजुर्बा हो चुका है। तो ये सिर्फ कैडर की ताकत है बीजेपी संगठन की और कांग्रेस के एक बिखरने का फायदा बीजेपी अब उठाती रही, तो क्या गारंटी है कि सर इस बार कोरोना काल के बाद लोगों के व्यक्तिगत अनुभव कहीं भाजपा की कुछ परेशानी में इजाफा कर सकते हैं और पार्टी के अंदर गुटबाजी भले नजर नहीं आए लेकिन समन्वय का अभाव भी परेशानी में इजाफा कर सकते हैं बीजेपी के, या कतई मैदान साफ है बीजेपी के लिए? नहीं, ये दोनों कारण जो आपने गिनाए वो दोनों कारण के अलावा तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि इंदौर लगातार देश में अपनी एक गौरवशाली उपस्थिति दर्ज कराता रहा है और वो ना उसमें ना शिवराज सिंह चौहान का बहुत ज्यादा योगदान है ना नरेंद्र मोदी का योगदान है, वो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट का योगदान है। तो आप मानेंगे कहीं ना कहीं इसमें महापौर और नगर निगम का एक महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है, अधिकारियों का बेशक उसमें योगदान है। लगातार 5 बार स्वच्छ शहर के रूप में प्रथम माना देश में बहुत बड़ी बात है और जो शहर के
मुख्य मुद्दे हैं। आखिर में नगर निगम की भूमिका क्या है, आप समझिए, आदमी को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो नगर निगम की हद में कम है, सरकार की हद में ज्यादा है, वो सब चाहिए। उन सब में मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश और भारत में जो इंदौर में कोरोना काल में भी सेवाएं हुई हैं वो उल्लेखनीय सेवाएं रही हैं। ये शक ये बात भी सच है कि उसका वो कोरोना काल में लोगों ने ब्लैकमेलिंग भी की, इंजेक्शन की ब्लैकमेलिंग की है, भाजपा के भी कुछ लोग उसमें जुड़े हुए थे, ये भी बात सच है। संजय शुक्ला ने काम करके दिखाया है, लेकिन भाजपा के भी काफी लोगों ने काम किया है। ये उमेश शर्मा जो हमारे साथ बैठे हैं, इन्होंने तो लंगर चलाया है, महीनों तक चलाया है। रमेश मेंदोला जी ने भी बड़ी संख्या में राहत कार्य किए हैं, और उनसे बड़ा तो राहत कार्य करने वाला मेरे ख्याल से पूरे भारत में कोई नहीं होगा जो रमेश मेंदोला। तो प्रवीण जी, अगर आपकी माने तो 15 महीने 15 साल से ज्यादा जो कोरोना का वक्त था, पहली दूसरी तीसरी लहर, इंदौर की जनता मतदाता उसको ज्यादा ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी? मुझे नहीं लगता है कि कोरोना के कारण से कोई चुनाव का कोई निर्धारण होगा। मुझे लगता है कि इंदौर का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको लेकर जनता सोचेगी, और जनता की जो मानसिकता यह है कि वो इस जो रिदम अभी चल रही है, जो गति जो चल रही है, जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है विकास के मामले में इंदौर में, उसको वो कंटिन्यू करना चाहेगी, और वो भाजपा के साथ उसको ज्यादा आसानी से सुलभ दिखता है। यदि कांग्रेस के संजय शुक्ला किसी तरह से चुनाव जीतते हैं तो बेशक वो भी अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि यदि भाजपा का महापौर होगा तो उसको सरकार से काम करवाने में ज्यादा आसानी। हाँ, कई फैक्टर काम करते हैं, जैसे वो डबल इंजन की बात होती है, तो मध्य प्रदेश में सरकार है तो फायदा। यहीं पर योगेश यादव जी, सरकार में रहते बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की फिराक में है, या फिर वाकई में कांग्रेस ये सोच के चल रही है कि अब बहुत हो चुका, भाजपा से लोगों का मोह भंग होगा ही, और इसको घर बैठे फायदा महापौर के चुनाव में मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य आलोचना नहीं है, हम सकारात्मकता उन्हें को लेकर चलते हैं। कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं, कांग्रेस की अपनी कार्यशैली है। आज कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने तरीके से सड़क पर आकर कार्य किया, या जो शासन को कार्य किया जाना चाहिए वो शासन संजय वो कार्य हमारे संजय शुक्ला जी ने किया। सड़क पर आना पड़ा, अपने धन पैसा खर्च करना पड़ा, कई कार्यों के लिए उन्होंने अपने आप को झोंक दिया सुबह से लेकर शाम तक। तो जनता की बात कर की भी चैतन्यता रहती है, और भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि सारी बातों का श्रेय हमारे खाते में आना चाहिए तो ऐसा नहीं है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि इंदौर का जो नागरिक है, मालवा का जो नागरिक है, उसकी चेतना, उसका बुद्धिजीवी और उसकी जागरूकता इतनी प्रबल है कि उसने अपने आप में बाध्यता प्रदान की, और बाध्यता के साथ सहयोग भी कह सकते कि कुछ अच्छे अधिकारी भी आए जिन्होंने इंदौर में मिलने के लिए विकास का कार्य किया। लेकिन फिर भी मेरी यह मान्यता है कि इंदौर में अभी जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया, विशेषकर मेट्रो ट्रेन के मामले में जिस तरीके से हमारी रफ्तार चल रही है तो लगता नहीं कि 10 साल तक इंदौर को मेट्रो की सौगात मिल जाए। भोपाल के बनिस्बत हम बहुत ज्यादा पीछे चल रहे हैं, भोपाल की स्पीड मेट्रो में बहुत ज्यादा है। हमारा इंदौर बड़े, आपने बड़े नेताओं के नाम गिनाए जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी इंदौर को एक आवाज की आवश्यकता है, एक ऐसी आवाज जो सड़क की आवाज बने, जो जनता की आवाज बने, उसकी आवाज की अभी आवश्यकता है। माने योगेश जी, आप कह रहे हैं कि विकास एक बड़ा मुद्दा होगा, उसी के दम पे चुनाव जीत और हार का फैसला होगा? बिल्कुल, उसके आधार पर होगा। इंदौर का नागरिक बहुत बुद्धिजीवी है, समझदार है, वो जानता है कि पब्लिसिटी क्या होता है, इवेंट क्या होता है, और धरातल पर काम करने वाले लोग क्या होते हैं। लेकिन यहीं पे एक सवाल और है, सिर्फ विकास के दम पर चुनाव जीते जाते हैं? अब ये बात, इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं, जाति समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर इंदौर का चुनावी गणित कितना प्रभावित होता है? देखिए, मेरी मान्यता है कि इंदौर में जातिगत समीकरण इतना नहीं है, ये एक जागरूक शहर है और इस जगह सिर्फ विकास की बातें की जाती है। तो जातिगत आधार पर यदि हम तय करते हैं कि जातिगत मुद्दा हो, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा इंदौर जैसे मध्य प्रदेश का एक सबसे अग्रणी और जिसको कहेंगे कि मध्य प्रदेश का एक आर्थिक राजधानी के रूप में स्थापित शहर में इन तरीके की बात होगी। यहाँ का व्यक्ति मिलनसार है, यहाँ का व्यक्ति भावुक है, आत्मा से लीन है और मस्त होकर कार्य करने वाला है, और सोच बड़ी पारदर्शिता है। टिकट चयन के क्राइटेरिया को लेकर आपने बहुत विस्तार से बताया और साफ कर दिया कि अनुभवी भी आ सकता, नया भी चेहरा आ सकता, लेकिन क्या जाति समीकरण का ध्यान रखा जाएगा इंदौर में? नहीं,
भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति में भरोसा नहीं करती है राकेश जी। नहीं करती है तो कविता पाटीदार और सुमित्रा जी को क्यों भेजा गया? कविता पाटीदार जी अपनी योग्यता के आधार से गई है, उसको आप जातिगत समीकरण से जीता जागता सबूत है परिवारवाद का भाजपा के अंदर कविता पाटीदार। नहीं भारतीय आप कविता पाटीदार जी के साथ तो कोई परिवारवाद का नजर नहीं है। देवलाल पाटीदार जी अपने समय के एक समय मिनिस्टर रहे हैं, पर कविता पाटीदार जी मुझे लग रहा है कि पंचायत स्तर की पंच और सरपंच से लेकर इस सीढ़ी पर चढ़ी है। तो ऐसी पंचायत के सरपंच और सरपंच कई है मध्य प्रदेश में, लेकिन वो पाटीदार परिवार से ही आती है तभी पहुंची है महामंत्री बन के। अब ये तो अगर हम खाती समाज से दे देते तो राकेश जी ये यक्ष प्रश्न आप तब भी खड़ा करते, अगर हम गुजर से दे देते तब भी ये यक्ष प्रश्न खड़ा करते। चलिए लेकिन खड़ा करना तो आपका विवेचन, आपने कहा भाजपा में जाति समीकरण कर सकते राज्यसभा है सर, उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, और जो लोग गए हैं और वो किसके लिए हाउस है अब ये बात बेमानी है, लेकिन हम जानते हैं कि महापौर को लेकर के क्या जाति समीकरण पर ध्यान रखा जाएगा। नहीं जातिगत योगेश जी ने बहुत अच्छे ढंग से कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि इंदौर शहर का नागरिक जो है वो बुद्धिमान है विवेकशील है। इंदौर शहर का नागरिक जिस समय अपने मत का उपयोग करता है तो उसकी कसौटी पर जो होता है वो मुझे लग रहा है कि तीन चीजें होती है। पहली चीज तो ये होती है कि इससे इंदौर शहर का क्या लाभ होगा, दूसरा फिर वो राजनीतिक दल के बारे में चिंता करता है, और तीसरे स्तर पर प्रत्याशी के बारे में चिंता करता है, और इन तीनों मापदंडों पर जो विचार करता है उसमें जाति कहीं भी नहीं होती है। उस समय इंदौर के मतदाता का केवल एक होता है कि आखिर हमारे इंदौर शहर का ये जो विकास द्रुत गति से चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चल रहा है, और चूंकि राज्य में सरकार भाजपा की है, केंद्र में सरकार भाजपा की है, और ऐसे में अगर कांग्रेस का महापौर बना दिया गया तो मुझे लग रहा है कि जैसे कोरोना काल में भैया सड़क पर उतर के घंटियां बजा रहे थे वैसे ही फिर सड़क पर उतर कर घंटियां बजाएंगे, तो इंदौर शहर का जो मतदाता है वो घंटी बजाने वाले महापौर को तो चुनेगा नहीं, इंदौर शहर का मतदाता चुनेगा कि जो इन हाउस बैठकर उसका मेयर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ घंटी बजाने वाले को नहीं चुनेगा। आपने क्या कहा घंटी बनाने वाले को नहीं चुनेगा? मोदी जी ने खूब घंटी और शंख बजवाए हैं। कोरोना काल की बात कर रहा हूँ सर, कोरोना काल में ही घंटी और शंख बजे हैं। उसको इंदौर शहर नहीं चुनेगा राकेश जी, इंदौर शहर का महापौर ऐसा चाहिए कि जो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर इंदौर शहर के अधिकारों की बात को अधिकार पूर्वक लेकर आप रात दिन राज्य की सरकार से और मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना करने वाले महापौर को चुनकर क्या मिलने वाला है? धरना करने से इंदौर शहर सुधरने वाला नहीं है, इस समय इंदौर पर धरने की नहीं सुधरने की आवश्यकता, और जिस गति से इंदौर शहर आकार ले रहा तो मुझे नहीं लगता है कि इंदौर शहर का विवेकशील मतदाता विपक्ष के महापौर को चुनने की जोखिम उठाएगा। उमेश जी बहुत मतलब साफ गोई से आपसे उत्तर चाहता हूँ, आपने आप भाजपा के उन गिने चुने नेता में हैं जो सड़क पे भी लड़ाई लड़ते, और जितना मुझे याद आ रहा है कि मुंबई अधिवेशन में जब भाजपा की स्थापना हो रही थी तो आप वहां मौजूद थे, उम्र बहुत कम होगी लेकिन आप जहां तक पहुंचे हैं आप संतुष्ट होंगे, लेकिन क्या पीढ़ी परिवर्तन के दौर में अब पहली प्राथमिकता नया चेहरा युवा चेहरा को सामने लाना होना चाहिए, और वो महापौर से नजर आएगा जो कि 2023 के पहले एक प्रयोग होगा? 100% होना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में तो पीढ़ी परिवर्तन बहुत सहजता से होता है, और हमारे यहाँ तो नवाचार करा गया है, हमारे मंडल अध्यक्षों को हमने ये तय करा कि 25 साल की उम्र के बना देंगे, हमने जिला अध्यक्ष कमोबेश 35 साल के बना दिए, हमारे तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वयं 50 साल के आयु वर्ग के हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तो नया खून और नया जुनून आगे लाने में विश्वास करती है, तो इस जुनून और इस खून का चेहरा मुझे लग रहा है कि इंदौर शहर को महापौर के रूप में भी दिखाई दे सकता है। चलिए, और हम भी उम्मीद करते हैं कि बदलाव के इस दौर में बीजेपी नए चेहरे को सामने लाने का शायद जोखिम मोल लेगी। गीत जी, संघ का हस्तक्षेप इंदौर की राजनीति में किसी से छुपा नहीं है भाजपा के अंदर, और चुनाव में उसकी भूमिका से भी नकारा नहीं जा सकता, क्या उम्मीदवार के तौर पर लास्ट में फैसला संघ को करना होगा? मैं आज भी इस बात को दावे से कहता हूँ राकेश जी, उमेश जी बैठे हुए हैं और प्रवीण जी बैठे हुए हैं, संघ की पसंद संघ की जानकारी के बगैर मुझे नहीं लगता कि महापौर का वहां टिकट कोई फाइनल कर पाए, क्योंकि संघ को आज भी खंडवा रोड पर अगर संघ का उमेश जी जानते हैं अगर वहां संवाद होता है बौद्धिक होता है तो बगैर उनकी इजाजत के नहीं होता टिकट फाइनल, पार्षदों के हो जाए अलग बात है, लेकिन सहमति उमेश जी मेरी बात को देख के मुस्कुरा रहे हैं और मैं जानता हूं कि वो इस बात से सहमति व्यक्त करेंगे कि क्या संघ को इग्नोर करके इंदौर के महापौर का टिकट चयन, मैं जानता हूं आपका नाम भी चल रहा है, आप भी उसमें दावेदारों में शामिल हैं,
इसलिए बार बार चौंकाने वाली बात। तो देखो वो कह रहे पीढ़ी बदलना चाहिए, तो उन्होंने तो अपने आप को पीछे कर लिया। नहीं नहीं, पीढ़ी नहीं बदलना चाहिए, मन मन भावे मूड हिलावे वाली स्थिति है पंडित जी की। लेकिन राकेश जी, ओर से गोविंद मालू का नाम आ सकता है क्या? मीडिया से जुड़े रहे, उमेश जी से पूछ लेते हैं। उमेश जी, छोटी सी टिप्पणी। नहीं, किसी का भी आ सकता है। और देखिए, मैं एक कांगीर जी भाई साहब की बात का बात विनयशीलता से उत्तर देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, संघ भारतीय जनता पार्टी के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता। क्या बात है सर? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है। हाँ, वो हमारे अभिभावक की भूमिका में रहता है। हम संघ की विचारधारा से सहमत है, हम वैचारिक रूप से संघ से संबल प्राप्त करते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के दैनंदिनियों के विषय और निर्णयों में संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं। बस यहीं पे प्रवीण जी, संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं। मध्य प्रदेश देश की बात नहीं कर रहा हूँ, इंदौर की बात कर रहा हूँ। जी, हस्तक्षेप तो रहेगा, पूरा रहेगा, और बिना संघ की सहमति से कोई भी टिकट इंदौर में फाइनल नहीं होगा, ये आप निश्चित मानिए। और महापौर का तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जरूर है कि ये भी बात सच है कि संघ ने अभी अपनी तरफ से कोई नाम नहीं दिया है। लेकिन आपने कुछ नाम गिनाए थे सर कोरोना काल के दौरान, संघ से जुड़े कुछ डॉक्टर लोग हैं, तो यही है कि संघ कोई उम्मीदवार को थोप भी सकता है क्या? जब पशुपेश की बात आएगी, जब भाजपा का संगठन निर्विवाद रूप से तय नहीं कर पाएगा, तब संघ से पूछा जाएगा, और संघ ने जो सोचा हुआ नाम है वो संघ उसको आगे बढ़ाएगा और उसको जीता कर लाएगा, क्योंकि संघ का अपना संगठन है, भाजपा का अपना संगठन है। और ये जो बात आपने कही कि जो मैंने नाम आपको बताए थे, निशांत खरे से लेकर पुष्यमित्र भार्गव तक और उमेश शर्मा, ये कोरोना काल में ही सामने आए ना सर? हाँ, ये कोरोना काल में आए, लेकिन तो संजय शुक्ला भी काम करके दिखाया है। संजय शुक्ला भी कोरोना काल में ही अपना ग्राफ आगे बढ़ाने में सफल रहे, तो ऐसी टक्कर देखने को मिलेगी कि कोरोना से जुड़े ही चेहरे चुनाव में खड़े नजर आए बीजेपी और कांग्रेस के। देखिए, उनका अपना एक भूतकाल में अपने कामों की पूरी श्रृंखला है, सबके पास अपनी श्रृंखला है। सबने पुष्यमित्र भार्गव की बात करें, या निशांत खरे की बात करें, या गोविंद मालू की बात करें, या उमेश शर्मा की बात करें, या मेंदुला जी की बात, सबके पास अपने भूतकाल के बहुत सारे अनुभवों का जखीरा है। सबने बहुत काम किया है और एक लंबा समय अपने आप को खपाया है इन लोगों ने, पूरी ताकत के साथ खपाया। लेकिन संजय शुक्ला फिर भी बहुत ऊर्जावान कैंडिडेट रहेंगे, ये मैं मानता हूँ, और मैं योगेश जी की इस बात से भी सहमत हूँ कि वो एक निर्विवाद चेहरा है कांग्रेस के पास। और मैं ये भी कहता हूँ कि इससे बेहतर चेहरा कांग्रेस के पास हो नहीं सकता था। तो जाहिर रूप से उनको ब्राह्मण होने का एक फायदा मिलेगा। उमेश जी जरूर कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं चलेगा, लेकिन एक हद तक ब्राह्मण होने का फायदा, यदि बीजेपी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं लाती है तो कांग्रेस को वो फायदा होगा। और ब्राह्मण बड़ी संख्या में इंदौर में, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और मराठी फैक्टर क्या काम करेगा सर? मराठी फैक्टर, देखिए, मराठी फैक्टर में भी बात ये है कि मराठी समाज के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला हुआ है पहले से काफी। आप जानते हैं कि लगभग 4 दशक तक ताई ने लगातार इंदौर को लीड किया है, लगातार मराठी समाज के बड़ी संख्या में पार्षद और MIC मेंबर्स रहे हैं। और लेकिन मुझे लगता है कि मराठी समाज भाजपा जो भी तय करेगी वो उसके साथ जाएगा। तो चलिए, योगेश जी से एक टिप्पणी और लेंगे हम चर्चा को विराम करने से पहले। सर, संजय शुक्ला जो मैं पहले कह रहा था पहली और अंतिम पसंद, लेकिन ये कमलनाथ की पहली पसंद है, दिग्विजय सिंह के समझौते की बात से ये चेहरा सामने आता है, या फिर ये सुरेश पचौरी की ही पसंद है जिस पर कमलनाथ, मतलब कांग्रेस के नाथ और राजा दोनों सहमत हुए? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि संजय शुक्ला जी मात्र बड़े नेताओं की पसंद नहीं है, वो जनता की पसंद है, जनता की आवाज है। जिस तरीके से उन्होंने राजनीति का समाज सेवा का चेहरा स्थापित किया है, वो इंदौर के लिए नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए अनुकरणीय है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी मीटिंग में उदाहरण दिया है कि इंदौर के एक विधायक ने इस तरीके से कार्य किया है। तो ये जो चेहरा है, ये मात्र कमलनाथ जी का या दिग्विजय सिंह जी का या माननीय सुरेश पचौरी जी का नहीं है, जनता का चेहरा है और जनता जनार्दन की आवाज उठी है। आप मालूम होगा कि जिस समय कमलनाथ जी इंदौर आए थे तो कांग्रेस के नहीं, जनता के लोगों ने कहा था कि हम महापौर के रूप में संजय शुक्ला जी को देखना चाहते हैं। तो आपने जनता और नेता की पसंद मान लिया, इसमें कोई कार्यकर्ता कांग्रेस के अंदर कोई फैक्टर काम करता है? कार्यकर्ता की पसंद में कैसे तब्दील हो गए? काम तो कार्यकर्ता को भी करना है ना। ये कार्यकर्ताओं की आवाज है, कार्यकर्ता ही काम करेंगे।
और कार्यकर्ता वो होता है कि जो किसी भी उम्मीदवार को या पार्टी को जिताने की क्षमताएं रखता है। आज आप देखिए निर्विवाद रूप से संजय शुक्ला जी के नाम पर जितनी आम सहमति प्राप्त हुई है शायद मैं समझता हूं मध्य प्रदेश में कहीं भी प्राप्त नहीं हुई है, और एकमात्र एक ऐसा नाम था कि जिसको सब लोगों ने स्वीकार किया है, चाहे वो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हो, चाहे कांग्रेस का नौजवान हो, युवा कांग्रेस का नेता हो, सबने उसको स्वीकार किया। कांग्रेस संजय पर आकर टिक जाती है उमेश जी? चर्चा को विराम देने से पहले आपकी टिप्पणी जरूर लेना चाहूंगा। संजय 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 के विकल्प कांग्रेस भाजपा के पास क्या? नहीं, संजय का धृतराष्ट्र के पास केवल एक ही विकल्प था। संजय भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे अर्जुन भी हैं। अब धृतराष्ट्र को केवल संजय की आवश्यकता इसलिए थी कि धृतराष्ट्र ना तो कुरुक्षेत्र में जा सकते थे। संजय दूरदर्शी भी थे? नहीं, संजय दूरदर्शी नहीं थे। संजय को वेद व्यास जी ने दृष्टि प्रदान करी थी कि आप केवल चक्षुदर्शी होकर, वो योद्धा नहीं था, वो केवल चक्षुदर्शी था, वो केवल दृष्टांत बता सकता था कि युद्ध चल रहा और ऐसा चल रहा। हमारे पास तो राकेश जी बहुत सारे भीम अर्जुन है जिस समय कुरुक्षेत्र बचा जाएगा। आप देखिएगा कि गांधी की धमकार भी होगी और प्रत्यक्ष मुझे न चाहते हुए योगेश जी से छोटा सा कमेंट्स जो कहा है उमेश जी ने। देखिए उमेश जी का जो ये दृष्टिकोण है वो अपने अंतस से पूछे कि वो कितने पवित्र भाव से ये बात कह रहे हैं, लेकिन वो अंतस से कहने में घबराते हैं। जब जब भी उन्होंने अपनी मनोभावनाओं को अंदर से स्पष्ट किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर आपत्ति ली है। तो मैं उनकी मनोदशा और मानसिकता की कल्पना कर रहा हूं कि उमेश जी क्या कहना चाहते हैं। वो संजय की ताकत को महसूस करते हैं, संजय की लोकप्रियता को महसूस करते हैं, लेकिन चूंकि पार्टी की एक बाध्यता है और एक नियम है, जब जब भी वो दिल की बात करते हैं तो अपमानित होते हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं उमेश भाई की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन पर तीक्ष्ण वार नहीं करना चाहता हूं। चलिए, लेकिन लेकिन प्रवीण जी और गीत जी से पूछेंगे, कांग्रेस में चर्चा का आज का मुद्दा ही था संजय का विकल्प कौन, उनके सामने कौन। कम से कम कांग्रेस एकजुट है संजय के नाम में, ये तो आप कुछ इसमें तो कोई शंका नहीं रह जाती गीत जी? तौर से राकेश जी, संजय का नाम इसलिए तय किया गया कि सारे नेताओं ने एक साथ सहमति बनाई। मैं आपको बता दूं इसमें जीतू पटवारी की अहम भूमिका रही। दिग्विजय सिंह कर चुके हैं, वो उनके घर जाके तिलक हो चुका, विजय तिलक की शुरुआत हो चुकी। उनकी पत्नी रेनू पटवारी ने उनको विजय तिलक लगाया और वहां से उनके अभियान की शुरुआत होती है। दिग्विजय सिंह की बात करें, कमलनाथ की बात करते हैं, सज्जन सिंह वर्मा जहां इंदौर में उनका दखल माना जाता है, विनय बाकलीवाल जो वहां जिलाध्यक्ष हैं उनकी सहमति है, मतलब सभी नेताओं की सहमति के बाद संजय का नाम फाइनल हुआ। चलिए प्रवीण जी, कांग्रेस के पास खोने को ज्यादा कुछ नहीं है इसलिए संजय पर ही भरोसा बहुत जरूरी हो गया है। देखिए मुझे लगता है कांग्रेस के लिए मेरे पास एक सलाह है जी। इसमें तो बात सच है कि निर्विवाद रूप से वो सर्वश्रेष्ठ नेता, उपलब्ध लोगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता है जो महापौर के लिए लड़ सकते हैं कांग्रेस की तरफ से। मेरी सलाह इतनी सी है कि कांग्रेस यदि अपने कार्यकर्ता तंत्र को मजबूत कर दे, उसको पुनर्जीवित कर दे, और उससे ज्यादा संजय शुक्ला जनता के साथ कनेक्ट करे। अभी संजय शुक्ला जो है एक नंबर के नेता के रूप में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन पूरे शहर के लिए उनको काम करना बाकी है। क्योंकि अभी वो पहले से कैंडिडेट तय हो गए हैं इसलिए उनके पास पर्याप्त समय है कि वो इंदौर शहर से अपना एक कनेक्ट डेवलप करें, और कनेक्ट डेवलप करके अपने मन की जो बात है वो यदि जनता के मन तक पहुंचा पाने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से वो एक तभी चुनौती पेश कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चलिए हम चर्चा को यही विराम देंगे। जी जी, बात पूरी कर लेंगे प्रवीण जी। जी, कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को पुनर्जीवित करना होगा और जनता तक अपनी बात को पहुंचाना होगा, वो पहुंचाया जाना अभी बाकी है। जो बात आपने कही है चुनाव में बिल्कुल जरूरी है, जनता के बीच में ही खड़ा देखना चाहिए उनके सुख दुख में। तो हम शुक्रिया अदा करेंगे उमेश शर्मा जी आपका, आदरणीय योगेश यादव जी, गीत जी आपका और प्रवीण शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव कोई भी हो, अभी तक भाजपा का डंका इंदौर में बसता रहा है, चाहे फिर वह लोकसभा, विधानसभा, महापौर से लेकर पार्षद का चुनाव ही क्यों ना हो। इंदौर की राजनीति में पार्षद से लेकर महापौर का चुनाव कांग्रेस, भाजपा और उनके नेतृत्व की लोकप्रियता का आकलन करता है। देश में स्वच्छता की नजीर पेश कर चुका इंदौर राष्ट्रीय क्षितिज पर पहचान का मोहताज नहीं है। संघ की जड़ें मजबूत होने का फायदा सत्ता में रहते भाजपा को खूब मिला है। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में पड़ला भले ही भाजपा का भारी माना जा रहा हो, लेकिन सच यही है कि कांग्रेस ने अपने विधायक संजय शुक्ला का चेहरा सामने लाकर भाजपा को उम्मीदवार चयन के मामले में कुछ हद तक ही सही बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है।
यही नहीं, परिवारवाद और नई पीढ़ी पर नई गाइडलाइन ने किसी विधायक पर दांव लगाने से पहले भाजपा को 100 बार सोचने को भी मजबूर कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा टिकट का क्राइटेरिया और छत्रपों का वर्चस्व भाजपा की ताकत बनेगा या फिर कमजोरी बनकर उसकी परेशानी में इजाफा करता है। कुल मिलाकर राजनीतिक मोर्चे पर कांग्रेस के हौसले बुलंद जो माहौल बनाने में जुट गई है, तो भाजपा फिलहाल बंद कमरे में किसी एक नाम पर सहमति बनाने तक सीमित होकर रहेगी। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार। शहर से दूर एक पूरा शहर है गोल्डन माइल, और भोपाल इंदौर एक्सप्रेस हाईवे पर इसी गोल्डन माइल में है आपकी आने वाली सरीन लाइफ की डेस्टिनेशन ग्रीन वैली स्टूडियो अपार्टमेंट। यहाँ है लश ग्रीन एनवायरनमेंट के साथ स्विमिंग पूल्स, सिट आउट्स, स्पोर्टिंग एरियाज जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल को सूट करने वाली सारी अमेनिटीज।